कैम जो पब्लिक, तो आज हम करने वाले हैं JEE 2023 में पूछा गया सेट्स एंड रिलेशन चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन JEE 2023 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन दिया हुआ था कुछ ऐसा, लेट कैपिटल आर बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन द एन अस ए रिलेटेड टू बी इज 2a+3b इज अ मल्टीपल ऑफ 5। यानी कि एक रिलेश इक्वेशन हमको दिया गया है 2a+3b इज ऑलवेज क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए, जहां पे a एंड b की वैल्यू हम कहाँ से ले सकते हैं, नेचुरल नंबर n में से ले सकते हैं। देन r इज रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ट्रांजिटिव होगा बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक होगा बट नॉट ट्रांजिटिव, एंड इक्विवेलेंस रिलेशन या फिर इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है वो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। यानी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों में से क्या होगा या फिर सभी होगा वो हमको यहाँ पे देखना है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव के लिए देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए हमको पता है कि कौन सी कंडीशन है। यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है ए रिलेटेड टू बी, लेकिन रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, रिफ्लेक्ट मतलब कि खुद का इमेज, यानी कि ए रिलेटेड टू ए। चलिए बी की भी जगह पे क्या आ जाएगा, ए, यानी कि 2a+3, तो इसका एडिशन क्या हो जाएगा, 5a। अगर 5a क्या मल्टीपल क्या है 5, यानी कि 2a+3 है, यानी कि रिफ्लेक्सिव ए रिलेटेड टू ए ऑलवेज क्या होगा, एक ही जगह पे कोई भी वैल्यू आप नेचुरल नंबर में से लोगे वो ऑलवेज क्या रहेगा, 5 का मल्टीपल ही रहेगा। यानी कि ये वाला रिफ्लेक्सिव के लिए तो क्या होता है, सही होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे एंड देखते हैं सेकेंड चीज, सिमेट्रिक क्या होता है कि नहीं। सिमेट्रिक कंडीशन क्या होती है कि अगर ए रिलेटेड टू बी के लिए इक्वेशन क्या है हमारा, 2a+3b इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 5, तो यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 5α। 5 का कोई मल्टीपल है इन दोनों का एडिशन। अब अगर ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू ए बी 5 का मल्टीपल मिलना चाहिए, यानी कि 2a की जगह पे क्या आ जाएगा, 2b+3a। चलिए चेक करते हैं। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से ए को बना लेते हैं सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, इसमें से ए को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये चला जाएगा सामने, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 5α-3b/2। अभी ये जो a की वैल्यू मिली वो यहाँ पे पुट कर देते हैं तो मिलेगा 2b+3 × 5α-3b/2। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 यहाँ पे मल्टीपल में आ जाएगा, यानी कि मिलेगा 2b+3 × 5, यानी कि 15α/2 − 3 × 3 9b/2। इन दोनों को साथ में लिख के एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4b−9b+15α/2। 15α/2 रहेगा आगे, ये साइन है नेगेटिव 5β/2। इन दोनों में से 5/2 ले लेते हैं कॉमन, तो 5/2 ले लिया बाहर, तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे बचा 3α-b। अभी
ये किसका मल्टीपल है? 5 अल्फा 5/2 का मल्टीपल है। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास, हमको पता है इक्वेशन 5 अल्फा इज इक्वल टू, हमको वैल्यू पता है, तो यहाँ पे 2 अल्फा प्लस करेंगे एंड 2 अल्फा माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 5/2, 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा माइनस भी, 2 अल्फा प्लस किया 2 अल्फा माइनस किया तो ये हो जाएगा 5 अल्फा, यानी कि 5/2 ये हो जाएगा 5 अल्फा माइनस 3 माइनस 2 अल्फा माइनस बीटा। 5 अल्फा की जगह पे वैल्यू रख सकते हैं हम लोग 2a+3b, यानी कि 5/2 यहाँ पे वैल्यू 2a+3b माइनस 2 अल्फा माइनस बी। चल सिंप्लीफाई, 5/2 ये क्या हो जाएगा? 2a वैसे का वैसा, 3b माइनस बी यानी कि +2b माइनस 2 अल्फा, सब में से 2 2 2 यहाँ से क्या हो जाएगा? कैंसर। तो हमको ये मिलेगा 5 a+b माइनस अल्फा, यानी कि ये क्या हो गया? अगर a रिलेटेड टू b, 2a+3b 5 का मल्टीपल है, एंड हमको मिल गया कि b रिलेटेड टू, अगर हम a लेते हैं तो वो भी क्या होगा? 5 का मल्टीपल होगा, 5 a+b माइनस अल्फा, यानी कि सिमेट्रिक कंडीशन भी यहाँ पे प्रूव होती है। अब आ जाते हैं आगे ट्रांजिटिव कंडीशन पे। सिमिलरली यहाँ पे जैसे हमने आगे किया, ट्रांजिटिव के लिए हमको कंडीशन पता है कौन सी प्रूव होनी चाहिए। अगर a रिलेटेड टू b है, यानी कि 2a+3b इज इक्वल टू क्या होता है? 5 अल्फा होता है। देन b रिलेटेड टू c, यानी कि 2b+3c इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 5 बीटा, यहाँ पे अल्फा सपोज किया तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं बीटा। चलिए तो अब देखते हैं आगे, इन दोनों का ले लेते हैं हम लोग एडिशन, तो क्या मिलेगा? 2a+3b+2b+3c इज इक्वल टू 5 अल्फा+5 बीटा, दोनों में से 5 कॉमन, यहाँ पे सिंप्लीफाई, 2a ये हो जाएगा +5b+3c इज इक्वल टू 5 अल्फा+5 बीटा। 5b को भेज देते हैं सामने, यानी कि यहाँ पे मिलेगा 2a+3c इज इक्वल टू 5 कॉमन अल्फा+बीटा, ये चला जाएगा सामने, तो -5 भी, उसमें से भी 5 कॉमन, तो ये बचेगा -b, यानी कि यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया? a रिलेटेड टू b, अगर 2a+3b है तो ये, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, a रिलेटेड टू c। तो यही है हमारी ट्रांजिटिव कंडीशन कि अगर a रिलेटेड टू b है एंड b रिलेटेड टू c है तो a रिलेटेड विथ c होना चाहिए, तो यहाँ पे वो कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है, एंड 2a+3c ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 5, यानी कि रिफ्लेक्सिव मिल गया, सिमेट्रिक मिल गया एंड ट्रांजिटिव मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमको दिया गया रिलेशन कौन सा रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4th वन जो हमको दिया हुआ।